दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू कोरियन साइंस फिक्शन मूवी द मून। मूवी की आईएमडीबी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। इस फिल्म की शुरुआत 2024 से होती है जहाँ पर कोरिया अपने 3 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह अपने रॉकेट को लॉन्च करता है यह रॉकेट पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर नहीं जा पाता, उससे पहले ही ब्लास्ट हो जाता है और जो 3 एस्ट्रोनॉट थे वो मारे जाते हैं। लेकिन कोरिया यहाँ पर हार नहीं मानने वाला था, वह फिर से इस काम में लग जाता है। लेकिन कोरिया के साथ साथ दूसरे देश भी ऐसे हैं जो अपने लोगों को चांद पर भेजना चाहते हैं ताकि चांद पर यह पता किया जा सके कि चांद पर हीलियम गैस है या नहीं। और इस तरह से 5 सालों की मेहनत के बाद कोरिया एक बार फिर से चांद पर जाने के लिए तैयार है। यह साल होता है दिसंबर 2029 का और कोरिया अपने 3 एस्ट्रोनॉट को एक बार फिर से चांद पर भेज देता है। अब की बार इनका काम बिल्कुल सही चल रहा था और उनका यह स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी सूर्य के अंदर से कुछ वेव निकलती है और उन वेव की वजह से इस स्पेस स्टेशन का कनेक्शन पृथ्वी से टूट जाता है। साथ ही इसके अंदर कुछ छोटे मोटी दिक्कतें भी आ जाती हैं, इसीलिए कोरियन स्पेस एजेंसी थोड़ी निराश होती है। लेकिन स्पेस के अंदर जो 3 एस्ट्रोनॉट हैं वो फिर भी नहीं घबराते और इन कमियों को दूर करने के लिए अपने स्पेस स्टेशन को ठीक करने लगते हैं। 2 एस्ट्रोनॉट बाहर रहकर इस स्पेस स्टेशन को ठीक करते हैं और तीसरा जिसका सुनवू नाम होता है वो स्पेस स्टेशन के अंदर रहकर गाइड करता है। लेकिन इनकी दिक्कतें ठीक होने की बजाय और भी बढ़ जाती हैं। इनके स्पेस स्टेशन के 4 सोलर पैनल में से एक सोलर पैनल खराब हो जाता है। लेकिन तभी एक एस्ट्रोनॉट देखता है कि एक जगह से ऑयल का रिसाव हो रहा है और जहाँ से तेल का रिसाव हुआ है वहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसकी वजह से एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होते ही एक एस्ट्रोनॉट बहुत दूर चला जाता है, यानी वो डीप स्पेस में चला जाता है। लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से इनका सोलर पैनल टूट जाता है और उसके कुछ टुकड़े दूसरे एस्ट्रोनॉट के पेट में घुस जाते हैं जिससे उसके सूट के अंदर मौजूद सारी ऑक्सीजन निकल जाती है। सुनवू बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और वह अपने इस एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन यह एस्ट्रोनॉट मना करता है और कहता है कि अब मुझे बचाने का कोई फायदा नहीं है। और देखते ही देखते यह एस्ट्रोनॉट भी मारा जाता है और अपने आप को डीप स्पेस में धकेल देता है और इस तरह से 2 एस्ट्रोनॉट अपनी जान गंवा देते हैं और अब इस जगह पर केवल एक एस्ट्रोनॉट बचता है जिसका सुनवू नाम होता है। और जब कोरियन स्पेस एजेंसी को यह बात पता चलती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि पहले उन्होंने अपने 3 एस्ट्रोनॉट खो दिए और अब 2 और एस्ट्रोनॉट को खो दिया। इसीलिए अपने मिशन को रोकने के अलावा इन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं। कोरियन स्पेस एजेंसी वाले जल्दी से एक मीटिंग करते हैं ताकि वो अपने बचे हुए एक आदमी को सही सलामत धरती पर ला सके। तब यहाँ पर किम जाए गुक के बारे में बताया जाता है जो 5 साल पहले इस मिशन का एक डायरेक्टर हुआ करता था और ये सभी लोग बैठकर विचार करते हैं कि अब किम जाए गुक ही उसे बचा सकता है। जहाँ हम किम को देखते हैं जहाँ वह बियोल नाम की लड़की के साथ एक शिकार कर रहा था, तब तक वहीं पर कोरियन एजेंसी के हेलीकॉप्टर आकर किम को वहाँ से ले आते हैं। दरअसल किम ने अब कोरियन स्पेस एजेंसी को छोड़ दिया है क्योंकि 5 साल पहले जो हादसा हुआ था उसके लिए वह खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है और उसी वजह से वह अब यहाँ पर काम नहीं कर रहा। और जब किम को यह बात पता चलती है कि स्पेस के अंदर मेरे एक दोस्त का बेटा फंसा हुआ है और मेरा दोस्त आज से 5 साल पहले चंद्रयान मिशन के दौरान ही मारा गया था, तो किम यहाँ पर स्पेस एजेंसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और किम और बियोल ये दोनों जल्दी से कंट्रोल रूम में आते हैं। किम यहाँ पर देखता है कि सुनू जिस स्पेस टल के अंदर है वो थोड़ा सा घूम चुका है, यानी कि अब उसका मुंह सूर्य की तरफ नहीं है और सूर्य की तरफ मुंह ना होने की वजह से सुनवू के पास तापमान माइनस में चला जाता है और उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। तब किम यहाँ पर सुनवू से बात करता है और कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा मैं बोलता हूँ तुम्हें बस वैसा ही करना है, और कहता है कि तुम्हें 2 सेकंड के लिए अपने थ्रस्टर को चालू रखना है और फिर उन्हें फिर से बंद कर देना है। तो सुनवू ऐसा ही करता है और ऐसा करने के बाद यह पूरा स्पेस टल सूर्य की तरफ मूव कर लेता है और उसकी वजह से तापमान बढ़ने लगता है और सुनवू को थोड़ी राहत मिलती है। किम सुनवू से वादा करता है कि मैं तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगा। किम यहाँ से नासा के अंदर काम कर रही मून यंग को कॉल करता है जो उसकी पत्नी होती है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमें सुनवू को बचाना होगा। लेकिन मून यंग बोलती है कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते
क्योंकि सूर्य की वेव की वजह से हमारे भी बहुत सारे सिस्टम काम करना बंद कर चुके हैं और हम अपने ही कामों में उलझे हुए हैं। किम इस बात से थोड़ा उदास हो जाता है। बाद में कोरियन स्पेस एजेंसी वाले एक प्लान करते हैं। वे सोचते हैं कि हम सुनू को चांद पर उतार देंगे और सुनू चांद पर जाकर सैंपल को कलेक्ट कर लेगा और तब तक हम नासा की मदद से सुनू को वहां से निकाल लेंगे और उसी वजह से वो लोग स्पेस टल के एक हिस्से को अलग करके चांद पर उतारने की कोशिश करते हैं और इस काम में वे कुछ हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। बाद में मॉड्यूल के अंदर से एक ड्रोन बाहर निकलता है जो यहाँ के आसपास की फुटेज लेता है और तब इसी मॉड्यूल के अंदर से सुनू बाहर निकलता है और वह कोरिया का पहला आदमी बन जाता है जिसने चांद पर अपना पैर रखा है और इस नज़ारे को कोरिया की सारी जनता लाइव देख रही थी। इसी मॉड्यूल के अंदर से एक रोवर भी बाहर निकलता है और सुनू उस रोवर के अंदर बैठकर एक बड़े से क्रेटर की तरफ जाने लगता है ताकि वहां से कुछ सैंपल को कलेक्ट कर सके। पूरा आसमान एकदम साफ होता है और सुनू एक बड़े से क्रेटर के अंदर जाकर वहां पर जाकर ड्रिल करता है जहां उसे कुछ आइस के सैंपल मिल जाते हैं और वह इन सैंपल को एक जगह रख लेता है। तब तक नासा के अंदर काम करने वाली मून यंग भी एक मीटिंग करती है जहां वह बताती है कि हम कोरिया के वोरिगो नाम के स्पेस टल के पास चले जाएंगे और वहां पर जाकर सुनू की जान बचाकर ले आएंगे। लेकिन नासा वाले बोलते हैं कि क्या तुम्हारे देश ने कोई ऑफर दिया है, तो मून यंग इस बात पर चुप होती है। तो नासा वाले कोरिया की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन सुनू जहां पर होता है वहां पर सोलर वेव की वजह से बहुत छोटे छोटे उल्कापिंड चांद पर गिरने लगते हैं और ये उल्कापिंड मोस्टली उसी क्रेटर के पास गिरते हैं जहां पर सुनू होता है। इसीलिए सुनू जल्दी से अपने सैंपल को कलेक्ट करता है और अपने रोवर में बैठकर यहाँ से अपने मॉड्यूल की तरफ जाने लगता है ताकि वह मॉड्यूल के अंदर सुरक्षित रहे और वह मॉड्यूल की तरफ जाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन तभी एक बड़ा सा उल्कापिंड उसके पास गिरता है और उस वजह से वह एक खाई में गिर जाता है जहाँ से उसके लिए निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तब अपने ड्रोन की मदद लेता है और वह ड्रोन सुनू को खींचकर बाहर निकालता है और सुनू जल्दी से अपने मॉड्यूल में चला जाता है और वहां पर जाकर अपनी जान बचाता है और वहां पर जाकर अपने मॉड्यूल को वापस से लॉन्च करता है ताकि वह चांद की सतह को छोड़कर चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाए और इस तरह से सुनू वापस से चांद के ऑर्बिट में आ जाता है और वहां पर जाकर अपने मॉड्यूल को अपने स्पेस टल से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। यह सारा काम धरती पर बैठे कोरिया स्पेस एजेंसी वाले कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे लोग स्पेस टल से मॉड्यूल को जोड़ देते हैं तभी एक बहुत बड़ा उल्कापिंड इनके स्पेस टल से टकरा जाता है और उस वजह से यह पूरा का पूरा स्पेस टल अनबैलेंस हो जाता है। इसीलिए सुनू जल्दी से अपने मॉड्यूल को इस पूरे स्पेस टल से फिर से अलग करता है और अपने थ्रस्टर की मदद से खुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सुनू बेहोश हो जाता है और कोरिया का सुनू से कनेक्शन टूट जाता है और इस तरह से कोरिया को यह लगने लगता है कि उन्होंने अपना एक और साथी खो दिया और इस बात से ये सभी लोग निराश होते हैं। कोरिया का प्राइम मिनिस्टर भी जनता को बता देता है कि हमने अपना एक और साथी खो दिया है और वह एक दुख भरी स्पीच देता है। किम बहुत ज्यादा दुखी होता है और वह अपने घर पर आकर खुद की जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर ब्योल होती है, वह किम को ऐसा करने से रोकती है। तभी किम के पास नासा के अंदर काम करने वाली उसकी पत्नी मून यंग का कॉल आता है और वह बताती है कि सुनू अभी मरा नहीं है, वो चांद के ऊपर सुरक्षित है, हमें उसकी लोकेशन मिली है और वह यह लोकेशन यहाँ पर किम को भेज देती है। किम जल्दी से खुद को सुनू के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है और इस काम में वह सफल भी हो जाता है और वह सुनू से बातें करता है और कहता है कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। ब्योंग एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है और उस वजह से वह सुनू की बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। साथ ही साथ वह इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर अपलोड कर देती है ताकि उसे बहुत ज्यादा व्यूज मिल सके और इसी वजह से पूरे कोरिया को पता चल जाता है कि सुनू अभी जिंदा है। और तब किम यहाँ से अकेला ही स्पेस एजेंसी में चला जाता है और ब्योंग वहीं पर रहकर सुनू से बातें करने लगती है ताकि सुनू बेहोश ना हो सके। वही नासा वालों को यह पता चल जाता है कि किसी ने सुनू की लोकेशन भेजी है और ये सारा शक मून यंग पर करते हैं और मून यंग को बोलते हैं कि तुम अपना फोन और अपने ऑफिस का सामान जब्त करा दो, हमें तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अब वह वीडियो वायरल होने की वजह से बहुत सारे लोग नासा से मांग करते हैं कि प्लीज सुनू को बचाया जाए। इसीलिए नासा वाले भी काम पर लग जाते हैं और अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को चांद के ऑर्बिट तक ले जाने की कोशिश करते हैं और कोरिया वाले भी सुनू से बोलते हैं कि तुम्हें अपने मॉड्यूल को फिर से स्टार्ट करना होगा क्योंकि ऊपर नासा वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो तुम्हें डॉक कर लेंगे
और जब सुनू अपने मॉड्यूल को स्टार्ट करता है तब वहाँ पर बड़ा सा उल्कापिंड उसके पास जाकर गिर जाता है, जिससे उसका मॉड्यूल गिर जाता है और सुनू का यह मॉड्यूल घसीटता हुआ बहुत दूर तक जाता है और एक खाई में गिर जाता है। इससे नासा को पता चल जाता है कि सुनू को अब नहीं बचाया जा सकता, इसीलिए सुनू को बचाने का मिशन वो कैंसिल कर देते हैं। अब सुनू भी हार मान लेता है और वह अपने सारे इंजन को ऑफ कर देता है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन सप्लाई को भी बंद कर देता है। तब किम यहाँ पर सुनू को समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपने पिता की तरह बहादुर बन जाओ, खुद को कमजोर महसूस मत करो, तुम अभी भी अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा कर सकते हो। तब सुनू के मन में एक बार फिर से उम्मीद जाग जाती है और वह ऑक्सीजन सप्लाई को फिर से ऑन करता है। वही नासा के अंदर काम करने वाली मून यिंग भी यहाँ पर किम को कॉल करती है और किम को बताती है कि तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें मॉड्यूल को फिर से स्टार्ट करना होगा और सुनू को किसी दूसरी जगह पर भेजना होगा ताकि वहाँ से नासा के लोग अपने मॉड्यूल के जरिए सुनू को बचा सकें। तब तक नासा के लोग भी आ जाते हैं जो मून यिंग के फोन को जब्त करना चाहते हैं, लेकिन मून यिंग अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और किम यह सारी बात सुनू को बताता है कि तुम्हें अपने मॉड्यूल को एक बार फिर से स्टार्ट करना होगा और तुम्हें किसी तरह करके यहाँ से किसी दूसरी सेफ जगह पर लैंड करना होगा। तो सुनू ऐसा ही करता है, लेकिन यह मॉड्यूल घसीटता हुआ कुछ दूर जाता है और फिर से सीधा खड़ा हो जाता है और यहाँ से मून के ऑर्बिट में आ जाता है। तब तक मून यिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करने वाले लोगों को बता देती है कि यह कुछ देशों का मामला नहीं है, यह इंसानियत का मामला है। एक इंसान होने के नाते हमें दूसरे इंसान की जान बचानी होगी। भले ही कोरिया और अमेरिका इन दोनों देशों के बीच में तनाव है, लेकिन इस वक्त वो तनाव भूलकर हमें सुनू की मदद करनी होगी। तब तक नासा के लोग आकर दरवाजे को तोड़कर मून यिंग के फोन और कंप्यूटर को जब्त कर लेते हैं। वही हम सुनू को देखते हैं जो चांद के ऑर्बिट में है, लेकिन उसका यह मॉड्यूल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, यानी कि उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक नहीं किया जा सकता और उसी वजह से उसे चांद पर फिर से लैंडिंग करनी होगी और अब की बार किसी सेफ जगह पर लैंडिंग करनी होगी। इसीलिए वह अपने ड्रोन की मदद लेता है क्योंकि उसके मॉड्यूल का पूरा ईंधन वेस्ट हो चुका है और वह अपने ड्रोन की मदद से किसी तरह करके चांद पर फिर से लैंडिंग करता है और यह क्रैश लैंडिंग होती है, लेकिन सुनू इस लैंडिंग में बच जाता है। और तब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाले अपने मॉड्यूल को चांद पर भेज देते हैं और वहाँ से सुनू की जान बचाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले आते हैं। इस चीज से सारे कोरियाई लोग खुश होते हैं। वहीं बाद में नासा में काम करने वाले मून यिंग उसको भी व्हाइट हाउस की तरफ से रिवार्ड दिया जाता है, क्योंकि अगर वह कोरिया की मदद नहीं करती तो शायद आज सुनू जिंदा नहीं होता। और 2 हफ्ते बाद सुनू को एयरप्लेन के जरिए कोरिया में लाया जाता है, जहाँ पर उसका अच्छे से स्वागत किया जाता है। और मूवी के आखिर में सुनू यहाँ से सीधा किम के पास जाता है क्योंकि किम ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए वह किम को सल्यूट करता है। और इसी के साथ यह कोरियन मूवी यहीं पर पूरी होती है। आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हम आपसे मुलाकात करेंगे और भी साईफाई मूवीज के साथ। तब तक आप खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।